हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बजट 2023-24 के बारे में। आज 1 फरवरी को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सदन में बजट प्रस्तुत किया, तो वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब हम लोग देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि बजट से एक दिन पहले मतलब 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आता है। वो पिछले वित्तीय वर्ष में जो भी इकोनॉमिक गतिविधियां हुई हैं, जैसा परफॉर्म किया है हमारे देश ने, तो उन सब का लेखा जोखा होता है और बजट आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए। तो इकोनॉमिक सर्वे की भी वीडियो चैनल पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी देख लें इसके साथ साथ में। ये दोनों वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और बजट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। ये जो पीडीएफ है जिससे हम आपको बता रहे हैं सारी चीज़ें, जिससे हम आपको पढ़ाएंगे, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, संकल्प मैथ्स बाय ज्ञानेंद्र के नाम से टेलीग्राम चैनल आप सर्च करेंगे, उस पर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बजट 2023-24। सबसे पहले बात करें तो बजट हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है बजट शब्द। बजट की जगह पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और ये हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में आता है। आर्टिकल 112 में क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आम भाषा में कहें तो बजट। ये 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है और 31 जनवरी को आता है आपका इकोनॉमिक सर्वे। ये पिछले वित्तीय वर्ष के लिए होता है और ये अगले वित्तीय वर्ष के लिए होता है। तो 2023-24 का जो बजट है उसमें किस पे फोकस किया गया है, अमृतकाल पे। तो अमृतकाल क्या है इसके बारे में जान लें। जो पिछला 2022 में इंडिपेंडेंस डे हम लोगों ने मनाया, वो 75th इंडिपेंडेंस डे था। अब हम लोग 76th ईयर से में एंटर कर चुके हैं और 76th ईयर से 100 ईयर तक के बीच का जो टाइम होगा इसको ही अमृतकाल कहा जा रहा है। तो ये 25 साल का जो टाइम है इसमें मेन विजन क्या होगा हमारे देश का, क्या गोल्स होंगे, उन सारी चीज़ों पे बात की जाएगी। तो मेन विजन क्या है इस अमृतकाल का, सबसे पहली चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन यूथ, यूथ पे फोकस किया जाएगा। दूसरी चीज़ ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन और तीसरी चीज़ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द विजन ऑफ अमृतकाल इन रिटन इन बजट। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन उसमें दे दिया जाएगा और आपसे आपको उसको टिक करना होगा। इसी के साथ साथ में प्रायोरिटीज़ दी जाएंगी, 7 प्रायोरिटी रखी गई हैं जो सप्त ऋषि के नाम से जानी जाएंगी। सप्त ऋषि 7 प्रायोरिटीज़, इनमें कौन कौन सी हैं हम लोग देख लेते हैं। सात प्रायोरिटीज़ में सबसे पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास। इसके बाद में है रीचिंग द लास्ट माइल, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के लिए है कि पूरे देश में कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। इसके बाद में यूथ पावर को प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर की बात की जा रही है अमृतकाल में। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पे जोर दिया जाएगा। अनलीजिंग द पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है जितनी क्षमता के साथ में कार्य कर सकते हैं वो करेंगे और ग्रीन ग्रोथ करेंगे। मतलब हम ऐसा नहीं कि ग्रोथ करते हुए चले जा रहे हैं और पर्यावरण को ध्यान में नहीं दे रहे हैं, तो ग्रोथ भी करेंगे और उसके साथ साथ में हमारा एनवायरनमेंट भी सही रहे इस हिसाब से ग्रोथ करनी होगी, उसी को ग्रीन ग्रोथ कहेंगे। तो इन सबको हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं और देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं हमारे लिए। सबसे पहले एग्रीकल्चर फील्ड में देख लेते हैं हम लोग। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा,
एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड सेटअप किया जाएगा, इसके साथ साथ में हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा और टारगेटेड फंडिंग की जाएगी, मतलब 20 लाख करोड़ एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट प्रोवाइड कराया जाएगा एनिमल हस्बेंड्री के लिए, डेयरी और फिशरी सेक्टर के लिए। तो ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव सेक्टर्स में की जाएंगी। इसके साथ साथ में जो 2023 वर्ष है ये मिलेट ईयर घोषित किया गया है, इंटरनेशनल मिलेट ईयर। तो इसी 2023 में जो मिलेट ईयर घोषित किया गया है उसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया को मिलेट हब बनाना है ग्लोबल का, मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट। इसके लिए श्री अन्ना स्कीम चलाई गई है। श्री अन्ना स्कीम क्या करेगी, मिलेट के लिए ग्लोबल हब बनाएगी, क्योंकि इंडिया जो है मिलेट का टॉप प्रोड्यूसर कंट्री है। सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में अगर मिलेट कोई प्रोड्यूस करता है तो कौन है, इंडिया है। और इसके बाद में और टॉप एक्सपोर्टर, सेकंड टॉप एक्सपोर्टर कंट्री है इंडिया। सपोर्ट गिवन गिव की सपोर्ट दी जाएगी इसको IIMR को, इंस्टीट्यूट फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मिलेट रिसर्च के लिए। इसके बाद में मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट, मिलेट के लिए इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है, क्योंकि 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया है, इंटरनेशनल मिलेट ईयर। मिलेट में होता है बाजरा, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए श्री अन्ना स्कीम चलाई गई है, इसी में IIMR हैदराबाद को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, प्रमोट कर किया जाएगा रिसर्च को। IIMR क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मिलेट रिसर्च, ये हैदराबाद में है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है IIMR का फुल फॉर्म ये किससे संबंधित है, श्री अन्ना स्कीम किससे संबंधित है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में आगे देखते हैं, हेल्थ सेक्टर में क्या क्या काम किया जाएगा। सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे, अनीमिया एलिमिनेशन मिशन चलाया जाएगा और फार्मास्यूटिकल्स को प्रमोट किया जाएगा इसमें रिसर्च के लिए, और पब्लिक प्राइवेट मेडिकल रिसर्च के लिए इनक्रेज किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं हेल्थ सेक्टर में, नर्सिंग होम्स नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे, अनीमिया एलिमिनेशन मिशन चलाया जाएगा और फार्मास्यूटिकल्स को प्रमोट किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट मेडिकल रिसर्च को भी प्रमोट किया जाएगा, ये मेडिकल फील्ड में काम किया जाएगा। इसके साथ साथ में हेल्थ सेक्टर में एक्सपेंडिचर को और एजुकेशन सेक्टर में एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया गया है, जो बजट है वो बढ़ा दिया गया है हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में। क्या किया और क्या किया गया है, रिवैम्प टीचर्स ट्रेनिंग वाया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में टीचर्स की ट्रेनिंग कराई जा रही है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खोली जा रही है, सेटअप की जा रही है, और स्टेट को भी इनक्रेज किया जा रहा है कि वो पंचायत लेवल पे और वार्ड लेवल पर फिजिकल लाइब्रेरीज खोली जाएं, खोले मतलब स्टेट। इसके साथ साथ में आगे देखते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट अचीवमेंट में क्या क्या अचीव कर लिया गया है। 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस रूरल हाउसेस को प्रोवाइड कराए गए हैं, 2.2 लाख करोड़ फार्मर्स को पीएम किसान योजना के अंतर्गत कैश ट्रांसफ़र किया गया है। इसी के साथ साथ में PMSBY और PMJJY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, और ये है आपका PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना JJY, इनका फुल फॉर्म याद कर लेंगे आप, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ पर्सन्स को इंश्योरेंस कवर किया गया है, 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन किया गया है SBM के अंतर्गत, मतलब स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। इसी के साथ साथ में जनधन बैंक खाते भी खोले गए हैं 47.8 करोड़ लोगों के, LPG कनेक्शन प्रोवाइड कराए गए हैं उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत 9.6 करोड़, और 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन कराया गया है 102 करोड़ पर्सन्स को, मतलब इतने कोविड वैक्सीन करवाने के बाद में इंडिया जो है वो सेकंड हाईएस्ट वैक्सीनेशन वाला देश बन गया है, ठीक है। तो ये सारे अचीवमेंट्स हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट के, अभी तक का इतना हमारे देश ने अचीव कर लिया है। इसके बाद में आता है आपका रीचिंग द लास्ट माइल, लास्ट माइल रीच करने में पहुंचने के लिए क्या क्या किया गया है।
जो ट्राइबल PVTG ट्राइबल योजना है, एक डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया जा रहा है। फाइनेंशियल असिस्टेंट टू बी गिवन फॉर द सस्टेनेबल माइक्रो इरीगेशन इन ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका में वे एरियाज जो ड्रॉट प्रोन है, उसमें जहाँ पर सूखा ज़्यादा पड़ता है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी, मतलब वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाएगी। और टीचर्स रिक्रूट किए जाएंगे 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए। जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, उसमें टीचर्स का रिक्रूटमेंट और भी किया जाएगा। भारत श्री स्कीम लॉन्च की जाएगी डिजिटलाइजेशन ऑफ एंशियंट इंस्क्रिप्शन के लिए। इसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोमोटिव प्रोडक्टिव कैपेसिटीज़ के अंदर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। इससे क्या होगा, ग्रोथ होगी और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। इंक्रीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज हुई है 33.4% से 10 लाख करोड़ इंक्रीज हो गई है। कंटिन्यूएशन ऑफ 50 ईयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट गवर्नमेंट टू इंसेंटिवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप करें, इसके लिए सेंटर कंटिन्यू 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कराता रहेगा स्टेट्स को। हाई एवर कैपिटल आउटले 2.4 लाख करोड़ फॉर रेलवेज, रेलवेज के लिए 2.4 लाख करोड़ का बजट सबसे हाईएस्ट अभी तक का दिया गया है। इसके बाद में 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आइडेंटिफाइड फॉर एंड टू एंड कनेक्टिविटी। पोर्ट्स को किक को कनेक्ट करने के लिए कोल स्टील फर्टिलाइजर सेक्टर्स के लिए 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ में क्रिएटिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन टीयर 2 एंड टीयर 3 वाया एस्टेब्लिश्ड UIDF। UIDF का फुल फॉर्म आप देख लें, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। श्री का फुल फॉर्म है शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, और PVTG का फुल फॉर्म है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है, आपके पेपर में कहीं ना कहीं से देखने को मिल जाएंगे किसी ना किसी एग्जाम में। इसके बाद में अनलीजिंग द पोटेंशियल, पोटेंशियल कितनी ज़्यादा, पूरी पोटेंशियल के साथ में काम करना है। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, इसके बाद उसमें क्या क्या किया जाएगा, मेकिंग AI इन इंडिया। थ्री स्पेशलाइज्ड AI सेंटर्स सेटअप किए जाएंगे। नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। विवाद से विश्वास फर्स्ट और सेकंड। एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए विवाद से विश्वास लॉन्च किया जा रहा है। इसके बाद में ई कोर्ट्स लॉन्च किए गए हैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस के लिए। डिजी लॉकर्स लॉन्च किए गए हैं। लैब्स फॉर 5G सर्विसेज सेटअप किए जाएंगी, कितनी, 100 लैब्स, इंपॉर्टेंट है। कितनी 5G सर्विसेज के लिए लैब्स प्रोवाइड सेटअप की जाएंगी 100 लैब्स सेटअप की जाएंगी। लैब ग्रोन डायमंड सेक्टर के लिए R&D ग्रांट दी जाएगी। इसके बाद में ग्रीन ग्रोथ कैसे की जाएगी। पीएम प्रणाम स्कीम, कुछ स्कीम है, पीएम प्रणाम स्कीम, मिष्ठी, और उसके बाद में गोवर्धन स्कीम, ये तीन स्कीमें हैं। इनका बस फुल फॉर्म याद कर ले आप, फुल फॉर्म से ही आप इसके बारे में पता चल जाएगा आपको। पीएम प्रणाम स्कीम क्या है, पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नोरिशमेंट एंड एमोलियरेशन ऑफ मदर अर्थ, ठीक है, ये तो मदर अर्थ के लिए है। और मिष्ठी है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलैंड हैबिटेट एंड टेंगिबल इनकम्स, और गोवर्धन है गैल्वनाइजेशन ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्च धन, ठीक है। ये तीनों स्कीम हैं, ये ग्रीन एनर्जी के लिए काम करेंगी, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, ग्रीन रखने के लिए। इसके बाद में यूथ के लिए क्या क्या स्कीमें हैं, अमृत पीढ़ी किसके लिए है, यूथ पावर के लिए। PMKVY मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च किया जाएगा। इसके अंतर्गत कोडिंग, AI, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग के नए नए कोर्सेस लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें जो यूथ है इन कोर्सेस को करने के बाद में उनको जॉब प्रोवाइड कराई जाएगी। मेजर टू बूस्ट टूरिज्म सेक्टर, कुछ मेजर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, कुछ मेजर्स टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे। स्टेट विल इंकरेज टू सेटअप द यूनिटी मॉल, स्टेट को यूनिटी मॉल सेटअप करने के लिए इंकरेज किया जाएगा, जिसके अंतर्गत
ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के सेल और प्रमोशन किया जाएगा। इसमें GI और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का भी सेल किया जाएगा। इसके बाद में फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत, फाइनेंशियल सेक्टर में महिला सम्मान बचत पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। महिला सम्मान बचत पत्र में टू इयर्स पीरियड के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम है ये, जिसमें कि कम 2 लाख तक कोई भी महिला डिपॉजिट कर सकती है। बेनिफिट फॉर द सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन की जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट थी वो 15 लाख से बढ़ा करके 30 लाख कर दी गई है सेविंग स्कीम के लिए। और इसके साथ साथ में गारंटी, MSME को क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत उनको क्रेडिट प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके साथ साथ में सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर सेटअप किए जाएंगे। नेशनल फाइनेंस इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री सेटअप की जाएंगी। ये सब फाइनेंशियल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए ये सारी स्कीम लॉन्च की जा रही हैं। इसके बाद में फिस्कल मैनेजमेंट, फिस्कल मैनेजमेंट के लिए 50 ईयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन्स स्टेट को दिया जा रहा है। 3.5% की परमिशन दी जा रही है, की छूट दी जा रही है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए अलाउ किया जा रहा है 3.5% फिस्कल डेफिसिट, और इसको 2025-26 तक 4.5 से नीचे लाने का टारगेट है, टारगेटेड फिस्कल डेफिसिट। इसके बाद में इनडायरेक्ट टैक्स को सिंप्लीफाई किया गया है। हायर एक्सपोर्ट, हायर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर, मोर वैल्यू एडिशन इन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी एंड मोबिलिटी, इससे बढ़ा है। इसके बाद में इनडायरेक्ट टैक्स की बात की गई है, इसको सिंप्लीफाई किया गया है, और साथ साथ में कुछ चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी भी कम की गई है। कस्टम ड्यूटी लिथियम आयन बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग पे कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है, जिससे कि ग्रीनर मोबिलिटी बनी रहे। और मोबाइल कैमरा लेंसेस पे भी इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। डीनेचर्ड एथिल अल्कोहल पे कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। श्रिम फीड, लैब ग्रोन डायमंड्स और कॉपर स्क्रैप्स, इन सब पे कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है, चेंज किया गया कस्टम ड्यूटी के अंदर। अब आता है डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल। डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 45% रिटर्न्स टैक्स पेयर्स के 24 घंटे के अंदर प्रोसेस कर दिए जा रहे हैं, और एवरेज जो प्रोसेसिंग पीरियड था वो पहले 93 था 8 साल के अंदर, इसको 16 दिन कर दिया गया है। इस जो करंट ईयर है दिस ईयर 6.5 करोड़ रिटर्न प्रोसेस कर दिया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके बाद में इनकम टैक्स की बात कर लेते हैं। इनकम टैक्स में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जो इनकम लिमिट थी रिबेट के लिए इनकम टैक्स की, वो पहले 5 लाख थी, अब 5 लाख से बढ़ाकर के 7 लाख कर दी गई है। मतलब पहले 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको कुछ भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी, अब वो बढ़कर के आपकी 7 लाख हो गई है। 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ स्लैब्स में भी चेंज किया गया है, 0 से 3 साल तक कोई टैक्स नहीं, नील 3 से 6 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15, 12 से 15 20, और 15 लाख से अगर ऊपर इनकम है आपकी तो 30%। कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम रहती है कि इधर लिख रखा है कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, और इधर 3 लाख से 6 लाख के बीच में 5% लिख भी रखा है। तो उनके लिए हम आपको बता दें कि जिनकी टोटल टैक्सेबल इनकम 7 लाख से कम है, तो टोटल टैक्सेबल इनकम अगर 7 लाख से कम है तो उनको कुछ भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, उनका टैक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। अगर टोटल टैक्सेबल इनकम 7 लाख से ज़्यादा है, जब 7 लाख से ज़्यादा है तो उनका जो टैक्स कैलकुलेशन होगा वो इस हिसाब से होगा, ठीक है। उनको 7 लाख तक छूट नहीं मिलेगी, उनको 3 लाख तक छूट मिलेगी, ठीक है। उनका 0 से 3 लाख तक उनका नील हो जाएगा, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर 3 लाख से 6 लाख तक 5% देना पड़ेगा, यानी कि
3 लाख का 5% देना पड़ेगा। 3 लाख से उनकी जो इनकम 6 लाख की होगी, 5% यानी कि 15,000 रुपये उनको देना होगा। उसके ऊपर जो होगा 6 लाख से 9 लाख के बीच में, मान लो किसी की इनकम अगर 8 लाख रुपये है, टोटल टैक्सेबल इनकम की बात कर रहे हैं, अगर मान लो किसी की टोटल टैक्सेबल इनकम अगर 8 लाख है तो 3 साल 3 लाख तक कुछ नहीं देना पड़ेगा, 3 से 6 लाख तक 5% यानी कि 15,000 देना पड़ेगा, और 6 से ऊपर उसका 2 लाख बचा, 2 लाख पे 10% यानी कि 20,000 उसको देना पड़ेगा। तो टोटल उसका टैक्स बनेगा कितना, 35,000। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन होगा इस तरीके से। उसका 7 लाख छूट नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं सोचेंगे कि 7 लाख छूट मिलेगी, 1 लाख पे टैक्स लगेगा। ठीक है, 1 लाख पे भी नील हो जाएगा फिर, ऐसा नहीं है। ये किसके लिए है, 7 लाख तक छूट किसके लिए, जिसकी 7 लाख से कम इनकम है उनके लिए। आगे देखते हैं, आगे है हाईएस्ट सरचार्ज रेट ऑन इनकम अबव 5 करोड़। जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, 5 करोड़ से ऊपर है, उनका जो हाईएस्ट सरचार्ज अलग से रेट लगता था 37% था, वो अब घटा करके 25% कर दिया गया है। ठीक है, सरचार्ज। इसके बाद में जो लीव इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट पे मिलता था नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉयज़ को, उनकी जो एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा करके 25 लाख कर दी गई है। टैक्स बेनिफिट्स इंडस्ट्रीज़ में टैक्स बेनिफिट एमएसएमईज़ को टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए उनके लिए भी लिमिट बढ़ा दी गई है, और इसके साथ साथ में कोऑपरेटिव्स की भी लिमिट टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए बढ़ा दी गई है। इसी के साथ साथ में स्टार्टअप्स के लिए भी कुछ छूट मिली है इनकम टैक्स में, और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि पैसा आता कहाँ से है और पैसा कहाँ कहाँ पे खर्च होगा। आने का मतलब है कि पैसा सरकार को कहाँ कहाँ से मिल रहा है, सबसे ज़्यादा कहाँ से मिल रहा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उसके बाद में सरकार पैसा कहाँ कहाँ पे खर्च कर रही है। तो सरकार का जो अकाउंट होता है वो दो चीज़ों पर चलता है, एक होती है रिसीट, एक होता है एक्सपेंडिचर। रिसीट वाले पन्ने पे क्या लिखा जाता है, पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर पैसा कहाँ कहाँ को जा रहा है। ठीक है, तो ये है आपकी रिसीट साइड, मतलब पैसा कहाँ कहाँ से आया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बोरोइंग से पैसा आया है। पहले नंबर पे क्या है, बोरोइंग मतलब उधार लेकर के पैसा सबसे ज़्यादा आया, 34%। दूसरे नंबर पे आपका जीएसटी है, 17% पैसा जो है जीएसटी से आया है। तीसरे नंबर पे कॉरपोरेशन टैक्स, और चौथे नंबर पे इनकम टैक्स। ठीक है, तो ये चार सीक्वेंस में चार आपको याद रखने हैं, सबसे पहले नंबर पे बोरोइंग, दूसरे नंबर पे जीएसटी, तीसरे पे कॉरपोरेशन टैक्स, और चौथे पे इनकम टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों आपको सीक्वेंस से याद रखना है। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ पे सरकार खर्च कर रही है सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा अगर हम उधार ले रहे हैं पैसा, तो सबसे ज़्यादा हमको इंटरेस्ट पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा उधार लिया जा रहा है 34%, और जा कहाँ रहा है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट पे 20% इंटरेस्ट पेमेंट किया जा रहा है। इसके साथ में दूसरे नंबर पे जो स्टेट के शेयर हैं टैक्सेस और ड्यूटीज़ में, मतलब जो टैक्सेस में स्टेट्स का हिस्सा है वो प्रोवाइड कराने में जो सरकार का है सबसे ज़्यादा पैसा जाता है, केंद्र सरकार का 18% उसमें पैसा चला जाता है। इसके बाद जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उसमें पैसा जाता है 17%, मतलब जो सेंटर ने खुद ने स्कीम चलाई हैं उनमें पैसा कितना जाता है, 17%। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9% पैसा जाता है, ये राज्यों की स्कीम होती हैं लेकिन जो केंद्र सरकार है इनको स्पॉन्सर करती है, और उसी के साथ साथ में फाइनेंस कमीशन और अदर जो ट्रांसफर्स हैं उनमें भी 9% पैसा जाता है। तो पहले नंबर पे इंटरेस्ट पेमेंट, दूसरे पे स्टेट शेयर, तीसरे पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और चौथे पे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये चार आपको सीक्वेंस याद रखने हैं। ठीक है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इनमें से बस ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कुछ मिनिस्ट्रीज़ को स्पेसिफिक अलॉटमेंट किया गया है, तो वो देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 5.94 लाख करोड़ का। दूसरे नंबर पर रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, यह 2.70 करोड़ का। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ को 2.41 करोड़ का। ये तीन आपको कम से कम देख लेने हैं, याद कर लेने हैं। लमसम में तो आपको याद होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लगभग
6 लाख करोड़, 5.94 लाख करोड़ है। सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ही अलॉटमेंट है। इसके बाद में कुछ स्कीम हैं, उनमें देख लेना। इसके बाद कुछ स्कीम्स हैं, उनमें कैसा कैसा अलॉटमेंट हुआ है वो देख लेते हैं कि किसमें पैसा ज़्यादा बढ़ाया गया है, किसमें कम किया गया है। डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिसमें 100 करोड़ पिछले बार पैसा दिया गया था, अब 1250 करोड़ दिया गया है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए ये काम किया गया है। जल जीवन मिशन में 60,000 से 70,000 करोड़ कर दिया गया है। इसी के साथ में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए जो पहले 2000 रुपये था बजट, अब 5,943 रुपये कर दिया गया है, 5,943। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी बजट काफ़ी बढ़ा दिया गया है, 48,000 से 79,590, मतलब 79,590 करोड़ बजट अलॉट किया गया है। इसके बाद में स्कीम फॉर फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, मतलब फेम स्कीम। फेम को फुल फॉर्म आप लोगों को याद करना है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवीज। तो इसमें इसका भी बजट 2908 से 5,172 कर दिया गया है, इसको भी बढ़ाया गया है। नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के लिए, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन जो ये हमारा सेवन सिस्टर्स हैं, इनके लिए 1419 करोड़ था पिछली बार, अब की बार 2491 करोड़ पैसा अलॉटमेंट कर दिया गया है। तो ये थी बजट की कुछ खास खास बातें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वो जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग देख लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग संकल्प मैथ्स।